गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं ए सिटी पेट जोन। तो ये है ए सिटी का पेट जोन, ठीक है। पहले ये यहाँ से इतना सा पेट जोन था, अब हम लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया जो पेट ओनर्स हैं यहाँ से इसको खोल दिया है। तो ए सिटी मेंटेनेंस टीम ये पूरा पार्क डॉग्स के लिए बनाने वाली है एंड वी आर वेरी हैप्पी। डॉलर इज ऑल्सो हैप्पी। यूरो लुक यूरो, थोड़ा सा डॉलर एंड यूरो का एक्सरसाइज हो जाता है। और स्ट्रीट डॉग्स भी हैं, वो लोग भी आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए, हम उनको थोड़ा ट्रीट्स वगैरह देते हैं। ये सॉल्टी है, सॉल्टी खुद ही कर रही है, यूरो लगा पड़ा है खेलने के लिए, डॉलर अपने में लगा है। कबूतर भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, लोग कबूतर को दाना डालते हैं जो कि ठीक नहीं है क्योंकि देखो डॉलर खा रहा है एंड डॉलर इज़ नाउ एडिक्टेड। ये देखो यूरो खेल रहा है, ये आया यूरो। यहाँ पे अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है यूरो की, और अगर डॉग्स अच्छे से एक्सरसाइज करते रहते हैं तो वो हेल्दी रहते हैं, अग्रेसिव भी नहीं होते हैं। और यूरो जर्मन शेफर्ड है बट बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है। और ये शॉल्टी है, स्ट्रीट डॉग है बट बहुत क्यूट है। डॉलर अभी भी लगा हुआ है खाने में। वहाँ पे पानी वगैरह रखने की जगह भी है, वहाँ पे भी लोग डालते हैं चिड़िया को दाना। मुझे लगता है यहाँ पे गेट भी लगा देना चाहिए क्योंकि बहुत सारी भैंस गाय आती है और यहाँ पे गोबर करके चले जाती है एंड देन डॉग्स गोबर खा के बीमार हो जाते हैं। तो गाइस आप कभी भी कोई सोसाइटी चूज़ कर रहे हो एंड फ्यूचर में प्लान कर रहे हो कि डॉग्स लेना है, तो ये सब चीज़ें भी बहुत कंसिडर करनी चाहिए। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि वो सोसाइटी को गंदा ना करें, डॉग पार्क में आके ही पॉटी वगैरह जो भी करानी है वो करवाएं, क्योंकि हमारी सोसाइटी है और वो गंदी रहेगी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। कुछ लोग बेसमेंट में भी जाके पॉटी करवाने लग गए हैं, सोसाइटी के अंदर पॉटी कराते हैं। अगर बाई चांस कर भी लेता है तो आप उसको उठा दीजिए। एंड मेंटेनेंस टीम को भी आई थिंक थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अगर गलती से पॉटी कर लिए तो उस पॉटी को कहाँ फेंके, उसके लिए एक डस्टबिन भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एक अच्छी सोसाइटी वही कहलाती है जहाँ पे हर एक इंसान जानवर कंफर्टेबली रह सके। डॉलर खेल रहा है, डॉलर को पहली बार कोई ऐसा मिला है जो उसकी टक्कर गया है। यूरो तो है करता रहता है, कुकुर को जाओ मत चल सामने। यूरो अपनी मस्ती में है, यूरो चला घर लेके जाएगा। यूरो ये घर लेके जाएगा, चलो कम लेट्स गो, ये घर ले जाएगा क्या, चलो पिकअप यूरो पिकअप, चलो लेट्स गो होम। डॉलर को लगा था ये, चलो तुम चलो, बाय सॉल्टी। सो गाइस मैं अपने हर एक वीडियो में के एंड पर एक कूल होम डिवाइस और वी कैन से होम टूल दिखाऊंगी जो मैंने ख़रीदा है और जो यूज़फुल है। तो ये एक वाइपर है, ठीक है, ये ग्लासेस आपके जो होते हैं वो साफ़ करने के लिए, और ये बहुत ही कूल है। मैंने ये स्टोर 99 से ख़रीदा था। इसके अंदर मैं इसे पानी भर लेती हूँ, या पानी या कोलिन कुछ भी आप भर सकते हो। देन मैं इसको जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको ये इसमें अटैच कर दिया है, ठीक है। तो अभी क्या कर रही हूँ मैं, ये ऐसे स्प्रे करके पानी को, आप देख सकते हो मैंने पानी को स्प्रे किया है। देन आई डू दिस, यू कैन क्लीन योर विंडो, दिस इज़ वेरी कूल। और ये इसमें आप कोई भी अपनी टीवी भी साफ़ कर सकते हो। तो गाइज ऐसे डिवाइस जो घर के लिए यूज़फुल है मैं शेयर करूँगी, आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखें और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।